पहले मैंने सबसे पूछा अंशुमान किधर है, तो बोले यहाँ कोई अंशुमान बंशुमान नहीं। अरे खाली अंशुमान पूछेगा तो बहुत ही देर, अवार्ड अंशुमान पूछेगा तो पता चलेगा ना। अवार्ड अंशुमान इसके पीछे कहानी है, सुना क्या? नहीं नहीं। घाट वालों में नहीं, गिर गर्दन घाट। अरे घाट बोलेगा तो ऐसा घाट, उसमें बड़ा बड़ा मतलब तीन हाथी जितना लश्कर का रोड रोलर लेके मैं ये ढलन की ओर जा रहा था, और सड़क पूरी बर्फ से लदी हुई थी। रोड रोलर कभी इधर चले कभी उधर चले, कभी इधर चले कभी उधर चले, अन दोनों तरफ से खाई। तू नीचे देखेगा ना, तेरे को लगेगा तू यमन में बैठा है। क्या बात कर रहे हो? अरे बात मांझे क्या है, सड़क पे चलने वाले पैराशूट बांध के चलते मालूम है? नहीं क्यों? क्यों? अरे आज कोई नीचे गिरा ना, वो तीन दिन बाद पहुंचता है, अना अचानक रोड रोलर का ब्रेक फेल, फिर ये नीचे था गाड़ी, ये मैं छोड़ा नहीं, जरा भी खसका ना तो गया। देवा शपथ, इंजन रॉकेट के मापे दौड़ रहा था, धका धका, रोक नहीं सकता था, बर्फ थी ना। और फिर? फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मैं स्टेयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 क्या हुआ? तू तो रोलर से उड़ गया होगा। उड़ा तेरा बाप। अरे पब्लिक चिल्ला रही थी, रोड रोलर जाके पेड़ को लगा गचकन, पेड़ खाई में गिरा भचकन, फिर रोड रोलर जाके किनारे पे लटका, ये किनारे पे ऐसा बैलेंस, ये बैलेंस, सब पब्लिक देख रही थी, मैं ऐसा निकल के ये निकल के किनारे पे संभल के आ गया। फिर PWT मंत्री आके मेरे को अवार्ड दिया। उदरिच? उधर ने तीन चार दिन बाद में आके दिया। अच्छा। आके घर पे दिया, पीठ पे थपथपाया, बोला तू अंशु, तू अंशुमान नहीं, तू हनुमान है। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारी शक्ल देख के बोला होगा। मस्करी करता क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं फेंक रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं फेंक रहा हूँ। अरे बिल्कुल ऐसा नहीं, नहीं फेंक रहा, फेंक रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, चल, यकीन नहीं है ना, चले साइकिल घुमा, चल जाके किसी और को ढूंढ ले, चल। एक मिनट एक मिनट, अरे हमें पूरा यकीन है, आप चलिए आप चलिए आप चलिए, ये गाड़ी घुमा। आपका पिज्जा मैम, अलग, थैंक यू। दो महीने से किराया नहीं भरा, जब मांगो तो कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं, आज मैं इनका हिसाब करके रहूंगी। दरवाजा खोलो, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। आंटी दरवाजा तो खुला ही है। मेरा पिज्जा कहाँ है? आंटी ये पिज्जा क्या होता है? कौन पिज्जा, कैसा पिज्जा? मैं किसी पिज्जा वाले को नहीं जानता, तू जानता है क्या? झटपट सब समझ में आ जाएगा तुझे। आंटी चुआ कहाँ है? चुआ है? ए पारसी बाबा बता मेरा पिज्जा कहाँ है? ओ बाप रे, कॉकरोच। कॉकरोच? कहाँ है कॉकरोच? भाग गया, थैंक गॉड। रॉय मेरा पिज्जा कहाँ है? हमें नहीं पता आंटी, आपकी सर की कसम। मत खा मेरी झूठी कसम। अरे हंसता है, हंसता है तू, बेशरम खोते डाला है। तू नहीं सुधरेगा, तू कभी नहीं सुधरेगा। मुंह है पीछे क्या छुपाया? कुछ नहीं आंटी। हाथ सामने ला। ऑफ कोर्स। आपका पिज्जा। पापा। अच्छा पापा, एक तो तुम लोग भाड़ा नहीं देते, ऊपर से चोरी करते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हाँ अब ये बताओ कि मेरे दो महीने का किराया देगा कौन, और जो पैसे देगा वो आगे आए। मानव तू देगा मेरा पैसा? पैसा? मैं कहां से दूंगा पैसा? तो आगे क्यों आया? मैं कहां? आदि मानव, मेरे पैसे कौन देगा? मैं दूंगा आपके पैसे, मैं दूंगा आपके पैसे। रॉय वो पैसे दे दे। पैसे? अरे वही पैसे यार जो मैंने अपनी बहन के कैंसर के ऑपरेशन के लिए रखे थे। हाँ, लेकिन आदि उसमें ऑलरेडी 10,000 रुपए कम है,
अगर उसमें से आंटी को पैसे दे देंगे तो तेरी मैम मर जाएगी। मर जाने दे उसे, मर जाने दे, उसकी किस्मत में यही लिखा है। भगवान, मेरी बहन तुम्हारे पास आ रही है और ये औरत आपके पास भेज रही है, संभाल लेना उसे। बस रोना बंद करो और मानो मेरे साथ चलो। जाओ माना, जाओ कमीने, जाओ। रो मत बेटा, तेरे पैन का ऑपरेशन हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगी। मैं उसलिए नहीं रो रहा हूँ आंटी। तू क्यों रो रहा? आदि ने मुझे पहले कभी बताया नहीं कि हमारी एक बहन भी है और उसे कैंसर भी है। क्या? You liars, you cheats! इस घर में तभी घुसना जब जेब में किराया हो। अरे बेशर्मो, जाके काम धंधा ढूंढो। क्या कर रहा है बे साले? हाँ, क्या है, क्या है? को हवा निकालने का बहुत शौक है, हम लोग मुझे जानते नहीं हो। हाँ साले, तो मकारी ऊपर से दादागिरी तेरी तो। मारता क्यों है? मारता क्यों है? ले साले को मार, मारो साले को। क्या कर रहा है? मार क्यों रहे हो? सही कह रहे, सही कह रहे, अभी मत मारो, अभी मत मारो। रितु को आने दो, फिर मारेंगे। हाँ। उसको भी तो पता चले हम लोग उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ सही बात है ना। ए तू जा, तू जा, तू जा के देख आ रही है कि नहीं। देखो ये आ रही है, मारना ये नहीं। गोटी कल्टी मार। आ गया बूढ़ा, आ गया। अब मैं जाता हूँ और झंडे गाड़ के आता हूँ। एक मिनट, ब्रेक मार, ब्रेक मार। तू क्या गुल खिलाने वाला है हमें पहले ही बता दे। हाँ, पहले मैं वहाँ जाऊँगा, फिर और फिर जानबूझकर हल्के से बूढ़े से टकराऊंगा और फिर मैं पलट के देखूंगा। अरे आप राहुल के दादाजी तो नहीं है? इस पैतरे से अगर बूढ़ा नहीं गिरा तो मेरी कदकाठी और कम कर देना। अब इससे ज्यादा क्या कम होगा? और तू संभाला, रितु के मामले में अपनी बड़ी पनवती लगी है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे सारे आइडिया घटिया थे। अरे कचरे में कमल थोड़ी खिलेगा। देखते जाओ कैसे विकेट गिरा कर आता हूँ मैं। अरे आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, जल्दी जा। हाँ, कहाँ से जाएगा? अबे अंधे हो, दिखाई नहीं देता? जी मैं अभी उठा देता हूँ, अभी उठा देता हूँ। आंखें फूटी है क्या? ये सब मेरी बात सुनो, मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को छोड़ने की? अबे भागो, भारू को निकालो जल्दी। मजा आ रहा है ना पीट? अपने ढोल और पीट फट गया ना। हाँ, क्यों नक्चड़े? उछल उछल कर डिंगे मार रहा था ना, अब भुगत। साला इसको तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, ऐसे छोड़ दो। ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा वैसा हो गया ना अभी। निकाल निकाल। अरे बूढ़े के साथ दोस्ती करना बच्चों का खेल है क्या? अरे क्या तुम लोग, उससे अपने जो खून बहाया उसमें तुम लोग पानी दे रहे हो? तू फिक्र मत कर, तेरा खून जरूर रंग लाएगा। खून भरी मांग, ये शगुन है वो तेरी होने वाली है। तब तो दो चार टुकड़ा और घुसेड़ दो पेट में, मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ। हाय रे, देख तुझे मिर्ची ने अंधा किया। हाँ, तुझे आग ने जलाया और तुझे कांच ने फोड़ा। सही है भाई, मतलब तीन टपके। अब एक ही रास्ता है। क्या? क्या मुझे लगता है? क्या बता भाई बता। मुझे लगता है कि अबे क्या लगता है? तुम लोग उसे भूल जाओ। क्या? हाँ अच्छा, ओए बल्ले, ओए कौन है भाई? ओए रोजे, ओए मेरा यार, ओए बल्ले मेरी जान, ओए पीते पीते बजाने, ओए बल्ले बल्ले।
बल्ले यार ओ ओ ओ ओ सो चीप सो डिसगस्टिंग बेबी लुक एट देम ओ मेम साहब हमारा यार मेम साहब ये हमारा सबसे प्यारा यार है इस टैक्सी यूनियन का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हाँ हाँ वही वही और बल्ले ये हमारी मेम साहब है मेम साहब बंबई से आई है बंबई से सत्यकाल जी आओ जाओ अंदर आओ जी लस्सी पीसी पियो थैंक यू मुझे कुछ शॉपिंग करनी है राजा हाँ हाँ मेम साहब को थोड़ी खरीदारी करानी है अरे बल्ले तू तब तक इन दोनों की खातिर कर हम मेम साहब को लेकर जाते हैं हाँ हाँ तुम दोनों बलवंत सिंह के साथ बैठो लस्सी वस्सी पियो मैं जरा शॉपिंग करके आती हूँ कम ऑन राजा लेट्स गो अच्छा बल्ले ओए तुझे फिक्र ना करो यार ओ तुसी मेम साहब दे की लगदे हो अंग रक्षक ओए वड्डा चंगा रक्षक जी ते साडे भी अंग लग जाओ जी कमीना एक मिनट रे बैठ पहले छोड़ छोड़ ठीक है एक बार फिर पंगा जरूर है ओ तुसी अंदर आओ जी आओ जी आओ कमाल है यार पहलवान तो किसी का पता ही कपड़े उतार देते हैं ऐ तो छोकरी की तरह शर्मांदा यार छोकरी तो क्या छोकरी की तरह नहीं शर्माएगी तू छोकरी है तभी मैं सोचूं तेनू हाथ दगाने के बाद मेरे दिमाग में कांटियां क्यों बज रही थी ओ खबरदार मेरे को छोकरी नहीं कह रहा समझ गया ओए 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 क्या 4000 जब मैंने तेरे को सूट बेचा तूने मुझे 1000 रुपए दिया अब 4000 300% मुनाफा हाँ तो ऊपर खर्चा तो मैंने करवाया ना कौन सा है? खर्चा अरे इसको बटन नहीं था बटन लगवाया चूहे ने जहाँ जहाँ से काटा था वहाँ रफू करवाया कितना गंदा हो गया था ये डाई किलिंग करवाया भाई देख 4000 में लेना है ना तो ले हाँ लाया कड़क है पांच हजार ये सेट इधर 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 ना मैंने तेरे को 12 नंबर का जूता दिया तो तू मेरे को 150 रुपए दिया उसने एक छोटी पुड़िया दी तो उसको 5000 देता है हा? ये भेदभाव क्यों अरे सिंह चने की पुड़िया थोड़ी ना है वो तो फिर वो तो गंजा हीरोइन का बिजनेस है गंजा हीरोइन का हीरोइन को गंजा करके भंगार में बेचने का नहीं रे गंजा हीरोइन हीरोइन समझा ड्रग्स ऐसे ठीक बड़ी मस्ती करता तू ए मेरे को देना ये सूट देना 4000 में लेना है तो ले हा? नहीं तो फूट हा? ठीक है पुलिस को बताऊं और तब पता चलेगा अभी जो है आइटम देखे गए ना वो पुलिस वाला ही था तो ठीक है मिलिट्री वालों को बताऊंगा ठहर हराम खोर ऐसे चलाओ ना हाँ तो पप्पी जी लाइफ में पहली बार फॉरेन टूर पे जा रही हो आप अच्छा आपका बाप भी गया था कभी फॉरेन टूर पे अगर आपकी मम्मी गई होती ना तो मेरा बाप भी चला गया होता देखो जी आप चुपचाप है ना जुबान पे ताला लगाओ और बैठ जाओ इधर मैं जरा इंक्वायरी करके आता हूँ अच्छा सुनो जरा संभल कर बैठ ना क्यों जी कोई मुझे चोरी करके ले जाएगा एयरपोर्ट से छड्डो जी कोई अंधा ही आपको चोरी कर सकता है हेलो हेलो जी हेलो ओ आप जरा उठेंगी प्लीज क्यों ओ जी मेरा रुमाल है ना आपके नीचे रह गया है ओह सॉरी वो तो है ही नहीं जी एनीवे बैठ जाओ जी वापस मैं भी बैठ जाता हूँ और बातचीत करता हूँ आपसे अच्छा जी तो आप गोल्डन ट्रेवल्स की यूरोप टूर पे जा रही हो मैं भी जा रहा हूँ जी नाइस मीटिंग यू जी ओ जी आपको यूरोप में मेरे होते हुए किसी बात की फिक्र की जरूरत ही नहीं देखो जी कोई भी काम हो आधी रात को आवाज दे देना बंदा हाजिर हो जाएगा कोई भी प्रॉब्लम हो आधी रात को आवाज दे देना ओ भाई टिकट उधर मिलती है अच्छा अंग्रेज कोई सताए ना आधी रात को आवाज देना आपका हर काम आधी रात को क्यों होता है दिन में आप सोते हैं क्या ओ जी मैं सोऊं या जागूं आपको कोई प्रॉब्लम देखिए प्रॉब्लम है कि 12 साल पहले मैं इनके साथ 7 फेरे ले चुका हूं भाई 12 साल पुरानी बात अब आप क्यों उठा रहे हैं अरे मैं इनका हस्बैंड हूं और आप शादीशुदा औरत पे लाइन मार रहे हैं ओ जी मैं
भाभी जी नमस्ते जी। देखो जी ये तो कमाल का नया ही एंगल निकल आया है जी। ओ जी मैं चौधरी हूँ जी। और मैं भाईदार भाई और ये भाईदार बहन तुम्हारी। एक्चुअली हूँ डिंपल चू। अच्छा अच्छा बहुत अच्छी जोड़ी है जी आपकी। वैसे आप अपने मन में कोई दूसरी बात पैदा मत कीजिएगा क्योंकि क्या है जी मेरी अपनी खुद की एक पर्सनल बीवी है। वो देखिए वो गोल्डन ट्रेवल के यूरोप टूर में आप भी हमारे साथ आ रही है जी। ओए कमाल है। ओए आपको कोई भी तकलीफ हो आवाज देना, आधी रात को बंदा हाजिर है। अगर आपको कोई भी चीज का जरूरत हो फोन करना, आधी रात को बंदा हाजिर है। अरे सही और तोड़ कोई अंग्रेज आपको सताए ना तो मेरे को बोलना, आधी रात को बंदा हाजिर है। ओ भाई साहब आपके सारे काम आधी रात के बाद ही होते हैं, वो दिन में आप सोते हैं क्या? अरे साईं तुमको क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम कैसे नहीं है भाई, 12 साल पहले मैंने इनके साथ साथ फेरे लिए हैं। अरे तो 12 साल पुरानी बात आज क्यों निकाल रहा है, भूल जा। अरे कैसे भूल जाए भाई, ये मेरी धर्मपत्नी है, मेरी वाइफ है। भाभी जी भाभी जी नमस्ते। मैं तो इन्हें अकेला देख रहा। अकेली? ओए ये कभी अकेली नहीं होती है, ये हमेशा दुकेली होती है। और जब ये मेरे साथ होती है ना तो चुकेली होती है। चलो जी मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से। अब बहुत सामान है ट्रॉली की, ऐसी की तैसी मारो गोली, ये ना आपका भाई लेके आ जाएगा। ले आ ट्रॉली पीछे पीछे जरा तू। भाई डैडी आप तो सुसु के लिए गए थे ना, यहाँ पर पुप्पू पुप्पू कर रहे हो, मम्मी को बुलाओ मम्मी। अरे तू तो तू तू सुनता नहीं है, हैं? इधर कचरा नहीं डालने का, कमाल है यार तू कचरा नहीं डालने का इधर समझता नहीं है तू? ये मेरा गला बैठने को आया हैं? तू क्या कान दुकान पे बेच के आया है साला बेरा, इधर कचरा नहीं डालने का? ये तो तू नया है ना, इसके लिए मैं प्यार से बात करता हूँ। हाँ ये गुलाब वाला तेरा नाम क्या है? लिसन जेंटलमैन। लिसन जेंटलमैन, ये साला कौन सा नाम है, समझ में नहीं आता इधर कचरा नहीं डालने का। I'm sorry. अबे सॉरी क्या इंडिया समझा है? गुनाह करो सॉरी बोलो क्या हुआ जी? अबे ये साला घन चक्कर को मैं 1 कलाक से समझा भी नहीं, थकी गया। इधर कचरा नहीं डालने का, इसको बोल इधर से कचरा उठावे वरना 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 क्या? अबे ये वरना ने वो ना बोल देता हूँ, मेरा दिमाग एक बार घूम गया ना हाँ तो बिना सबू के धो डालूंगा। अच्छा अच्छा एक तो गंदा करता ऊपर से अच्छा बोलता तू है, मेरा दिमाग गरम हो गया ना जी, मैंने टीवी पर देखा, टीवी मेरा दिमाग गरम हो गया ना। अबे टीवी हो या बाथरूम, मेरा दिमाग गरम हो गया ना जी। इनके सर पर 2 करोड़ का इनाम है, ये इंडिया के अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन है। अंडरवेयर होके जान गया हो डॉन है तो डैडी जी, यही गुरु गुलाब खत्री जो लोगों को कॉफी पिलाकर मार डालता है, यही वो डॉन है। ये डॉन है? हाँ बहुत बड़ा ये डॉन। तो उधर क्या बोल रहा था, अगर तेरा दिमाग गर्म हो गया तो तू क्या कर लेगा? नहीं नहीं मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। ये क्या तुम पहली बार आया ना इधर, बोलना चाहिए ना, पड़ोसी है ना। डालो इधर कचरा, डालो इधर, हम भी इधर ही डालते, इतना अच्छा जगह छोड़ के किधर डालेगा, डालो। अनमोल आचार्य डेंटिस्ट, कभी भी दाखिला तो बोल देना। बोल देना। और मेरा नाम है क्या है मेरा नाम? ओह ये साला सही टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ। अभी मेरे को किसी ने बोला कि मणिलाल किधर जा रहा है तो अभी ये बोला। अब ये मणिलाल? हाँ स्मार्ट है। आने, वो घर है ना उधर, मैं हाउस वाइफ हूँ। अरे अपना हाउस हस्बैंड हूँ, उधर चाय पीने आ जाना कभी भी। हाँ ओके ओके चलिए आप आइए हमारे साथ कॉफी पीजिए। किधर? आइए। नहीं नहीं आइए। अरे भाई मेरे को काम है, उधर काम बाद में कर लेना, कपड़ा बर्तन सब धोने के भाई। तू तो आ, मुझे भी काम है। उतर उतर उतर। क्या बात है, कोई तो आ मेरे साथ कॉफी पीने। सब दरवाजा बंद कर दो और खिड़की पे पर्दा लगा दो, लुंगी लटका दो, ये साड़ी नदी पे चिल्ला रहे हो, रंजीत की साड़ी लगा दो पर्दे की तरह। अरे मेरा नाम रंजीत नहीं परमजीत। अरे तू कौन सी भी हार जीतो बाहरी इनाक से बोलो। मोना हमारे नेबर में इंडिया का बहुत बड़ा डॉन आया जिसके सर पर 2 करोड़ का इनाम है। अरे कहा मुझे भी देखने दो, 2 करोड़। अरे कहा जा रहे हो, सर पर 2 करोड़ लेके थोड़ी ना घूमता है, मैं नहीं जाने दूंगा। मम्मी देखो अनमोल मुझे देखने नहीं देता। क्या आज फिर से तुमने मेरी बेबी का दिल तोड़ा? मैंने कुछ नहीं किया। तू जा, और अच्छा हो तो मुझे भी बताना। अरे बेबी की बा, वो बायोस्कोप नहीं है गुंडा है, साला मार डालेगा, समझती नहीं है करमजीत तू। मेरा नाम करमजीत नहीं परमजीत है। तेरा कोई भी नाम हो गोली नाम देखकर नहीं चलती, घुस जाएगी गले के अंदर। बंद कर दरवाजा बंद कर। मम्मी जी बहुत ही खतरनाक गुंडा है, कभी भी फायरिंग हो सकती है। सच मुच? हाँ। अभी हम क्या करेंगे? मैं तो बोलता हूँ 2 जोड़ी कपड़ा बांधो सीधा मुंबई। गुड आइडिया, मैं पैकिंग करता हूँ। तू पासपोर्ट ला, मैं जाकर टिकट निकालता हूँ। हाँ हाँ मैं पैसे देती हूँ, अभी के अभी टिकट लाते हैं। चल 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 चल। ए रुको,
टिकट लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी वही बोलता हूँ, बिना टिकट प्लेन में चढ़ जाते ना, टीसी आएगा ना तो उसको $4-5 दे देंगे। हम लोग राजकोट में ऐसा ही करते थे। हाँ, कोई कहीं नहीं जा रहा है। मैं तुम दोनों की चाल अच्छी तरह से समझ गई हूँ। डॉन का डर दिखाकर इंडिया भाग जाना चाहते हो? हाँ नहीं नहीं, ये तो सच्ची खतरनाक डेडली डॉन है ये। अगर वो डेडली डॉन है तो मैं भी डेडली डायन हूँ, उसमें तो कोई शक नहीं। Shut up! Just go to the kitchen and do your work. इतना अच्छा मौका हाथ से गया। चलो वही हाथ से खाना बनाते हैं।